ये है मुंबई के ऑडी चाय वाले, जो 70 लाख की लग्जरी कार में 20 रुपए की चाय बेचते हैं, और इनकी चाय पीने आते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी। तो चलिए मिलते हैं ऑडी चाय वाले से। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमित कश्यप है और मैं मलेरकोटला पंजाब से हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनु शर्मा है, मैं हरियाणा के हिसार के छोटे से गांव मंगाली का रहने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले जब ऑडी ली थी तभी सोचा था कि यार कुछ तो यूनिक करना है। मुंबई आए थे, यहाँ स्ट्रगल नहीं करना था कि 8-8 साल एक कमरे में बैठे रहे, वो नहीं करना था कम से कम, कि लोगों से कुछ हटके करना है। तो जो ऑडिटी शुरू की ये बाय चांस, एक दिन हम निकले थे रात को चाय पीने के लिए और अच्छी चाय नहीं मिली कहीं पे, तो मेरे फ्रेंड ने मजाक में बोला यार चाय नहीं मिल रही, चाय बेचने लग जाते हैं। अच्छा। मैंने कहा यार बिल्कुल चाय बेच सकते हैं, तो दिमाग में क्लिक किया कि हाँ ऑडी में चाय बेच सकते हैं। अच्छा। तो वहीं से ये इस आइडिया की शुरुआत हुई और थोड़ा इस पर सोचा, बात की, डिस्कस किया और इसको हमने प्लान को एग्जीक्यूट किया। फिर इलायची रहेगी, ये पहले इलायची। खासियत यही है, इसको गाड़ी पे बैठ के ही कूटेंगे तो ही वो स्वाद आएगा। क्या बात है, अभी तो ऑडी वाली चाय कहलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। यूथ को ही एक मैसेज देना था कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, भले ही अगर आप एक्टर बनने आए हो यहाँ पे, तो ऐसे नहीं रहे कि आपको काम नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ बड़ा ही काम करना है। हाँ। आपको जो भी काम मिल रहा है, आपको छोटा काम मिल रहा है, आपको 1 day 2 day मिल रहा है, आपको मतलब 1 week का मिल रहा है, तो आप जरूर करें। क्योंकि अगर जब आप घर से निकलते हो, किसी से मिलते हो, तो ही आपके लिंक आगे बढ़ते हैं। सही बात है। हम यहाँ पे, हमको 2 महीने हुए हैं आज, हमको मेरे हिसाब से आधी मुंबई जानती है चाय वाले के नाम से, भले ही किसी नाम से। हम वैसे एक्टर बनने आए थे तो हमको चाय वाले के नाम से ही एक्टर बना दिया गया है यहाँ पे। ये ऑडी आपकी है? जी बिल्कुल, मेरी ऑडी है सर। क्या प्राइस है ये ऑडी की? नई की सर, ऑन रोड ये 70 लाख की पड़ती है। 70 लाख की है? 70 लाख की गाड़ी में आप 20 रुपए की चाय बेच रहे हो, ये क्या फंडा है, इसका पर्पज क्या है? फंडा सर यही है, जैसे भाई ने बताया कि पहला हमारा मकसद ये था कि कमरे से बाहर निकल के लोगों से मिलना। हाँ। आज हमारे पास इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं। अच्छा। तो सबसे पहला मकसद तो यही था कि लोगों से मिलना। हाँ। और से पहले मैं स्टॉक मार्केट में सर ट्रेडिंग करता था। हाँ। मतलब इससे पहले नहीं, अभी भी कर रहा हूँ, वो कंटिन्यू है अभी भी। सुबह उठ के मैं ट्रेडिंग करता हूँ और शाम को यहाँ आके ये पार्ट टाइम ये करता हूँ, और बीच में जो टाइम मिलता है उस टाइम मैं एक्टिंग के लिए ऑडिशन वगैरह बनाता हूँ। और बाय एजुकेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, लाइसेंस फार्मासिस्ट हूँ, शिमला से मैंने फार्मेसी की हुई है। अच्छा जी, क्या बात है। आपका चाय पत्ती जाएगी शक्कर, भाई जिंदगी हो या चाय, जितनी धीरे धीरे पके उतनी बढ़िया बनती है। थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों इनकी तरह आप भी ऑडी वाली चाय का मजा ले सकते हैं, सिर्फ आपको लोखंड वाला बैक रोड आना पड़ेगा, और इनकी तरह आप भी ये स्वादिष्ट चाय का स्वाद ले सकते हैं। क्या बात है। अभी सर लगभग 500 से 700 चाय, मतलब वो डिपेंड करता है, कई बार संडे होता है तो ज्यादा भी निकलती हैं। अच्छा। एवरेज 600-700 चाय निकल रही हैं सर। क्या बात है। जी मैसेज सर यही है कि सबसे पहले तो अगर आपके दिमाग में कई बार, क्योंकि इंडिया है सर, बहुत क्रिएटिव लोग हैं, यहाँ पे दिमाग में बहुत कुछ चलता है, पर कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती या कई बार नई शुरुआत कर पाते, तो आप कम से कम हिम्मत करिए, छोटे से शुरू करिए, पर एटलीस्ट शुरू कीजिए। हमारे यहाँ के लोग, जैसे मैं पंजाब से हूँ, बहुत लोग बाहर जा रहे हैं, तो उनको भी यही मैसेज है कि आप बाहर जाने से अच्छा है यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहिए, अपने इंडिया, अपने हिंदुस्तान में रहिए, और यहाँ करके दिखाइए लोगों को, यहाँ भी सब कुछ कर सकते हो आप। जो कर सकते हैं अपना बेस्ट इंडिया के लिए कीजिए, भारत के लिए कीजिए, जो अपना बेस्ट कर सकते हैं आप। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप और भी अच्छा करें, और ऑडी चाय वाले को पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में लेके जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आपके सपोर्ट के लिए और मुंबई के इतने प्यार के लिए, और मुंबई की मीडिया का और मुंबई की जनता का तहे दिल से धन्यवाद।